दोस्तों विराट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। भारतीय कप्तान विराट कोहली का जबरदस्त फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में भी जारी रहा। इस मैच में भारत को जीत के लिए 239 रन का आसान लक्ष्य मिला था और कप्तान विराट ने अपनी कप्तानी पारी के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई, साथ ही श्रीलंका की धरती पर अपनी कप्तानी में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। 107 गेंदों पर पूरा किया अपना शतक। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 107 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। शतक के दौरान उन्होंने 8 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93.45 का रहा। विराट ने मनीष पांडे का साथ तीसरे विकेट के लिए इस मैच में 99 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने केदार जाधव के साथ चौथे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। इस मैच में विराट 110 रन बनाकर नाबाद रहे। वनडे क्रिकेट में शतक लगा के मामले में अब विराट ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज रिकी पोंटिन के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब पोंटिन को पीछे छोड़ने के लिए विराट को एक और शतक की जरूरत है। फिलहाल दोनों के 30-30 शतक होगा। वैसे शतक लगाने के मामले में अब विराट से आगे सिर्फ भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ही हैं, जिनके नाम पर वनडे में 49वां शतक है। वैसे विराट जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कुछ भी संभव है। विराट कोहली अब विश्व के 100वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। विराट ने ये कामयाबी श्रीलंका के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में हासिल किया। इन 100 खिलाड़ियों में विराट के औसत के बारे में बात करें तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन 57.86 से ही पीछे हैं।